अध्याय कक्षा 9वीं हिंदी पाठ 3 कबीर। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। संजाल मस्त मौला के लक्षण। वर्तमान कर्मों को सर्वस्व न समझना। प्रेम का मतवाला होना। भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार निकल जाना। पुराने कृत्यों का हिसाब न रखना। परिच्छेद पढ़कर प्राप्त होने वाली प्रेरणा लिखिए। चाहे कोई देश हो या चाहे कोई व्यक्ति, प्रत्येक को सफलता के लिए अलग माप चौक की आवश्यकता होती है। कोई देश या कोई व्यक्ति अपनी सफलता के लिए जो पैमाना निर्धारित करता है, यह जरूरी नहीं कि वही पैमाना दूसरे के लिए भी उपयोगी साबित हो। इसलिए प्रत्येक देश और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता और क्षमता के अनुसार अपनी सफलता के लिए विशिष्ट पैमाना निर्धारित करना चाहिए। सफलता तभी प्राप्त की जा सकती है। लेखनीय कबीर संत ही नहीं समाज सुधारक भी थे, इस विषय पर विचार लिखिए। संत कबीर का नाम संत कवियों में लिया जाता है। कबीर ने ईश्वर एवं ईश्वर भक्ति पर तो लिखा ही है, उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों और विषमताओं पर गहरी चोट की है। कबीर के काल में समाज में अनेक विकृतियां फैली हुई थी। तरह तरह के अंधविश्वास प्रचलित थे। कबीर ने इन सब का जोरदार विरोध किया। वे सामान्य जनता से जुड़े हुए थे। समाज में व्याप्त सभी बुराइयों पर उन्होंने बिना लाग लपेट प्रहार किया। इस तरह कबीर ने अपने काव्य के माध्यम से समाज सुधारक का महत्वपूर्ण कार्य किया है। मौलिक सृजन संतों के वचन समाज परिवर्तन में सहायक होते हैं, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। हमारे देश में अनेक संत हुए हैं जिन्होंने अपने काव्यों, अपने साहित्य तथा अपने व्याख्यानों के माध्यम से समाज के लोगों में जागरूकता लाने और समाज परिवर्तन का काम किया है। संत कबीर का नाम इसमें सर्वोपरि है। इन्होंने तीर्थक्षेत्रों, पूजा पाठ, व्रत आदि को महत्व न देकर अपनी वाणी से समाज में सुधार लाने का प्रयास किया। उन्होंने सत्य को ही ईश्वर माना और कहा कि राम रहीम दोनों एक ही है। इसी तरह गुरु नानक देव, कर्नाटक के संत बसवेश्वर, बंगाल के चैतन्य महाप्रभु, गुजरात के संत नरसिंह मेहता तथा महाराष्ट्र के संत नामदेव, संत एकनाथ, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम तथा संत रामदास स्वामी ने लोगों को समानता और मानव धर्म की शिक्षा दी। इन संतों ने लोगों में एकता की भावना पैदा करने और एक दूसरे से हिल मिलकर रहने का संदेश दिया। पाठ के आंगन में सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। संजाल कबीर की विशेषताएं। फकड़ाना स्वभाव, तेज वाणी, मस्ती। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। कबीर के मतानुसार प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता, गमले में नहीं उपजता, बाग में नहीं उपजता। कबीर के मतानुसार प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता। कबीर जिज्ञासु थे, मिथ्या के, सत्य के,
कथ्य के। कबीर जिज्ञासु थे सत्य के। भाषा बिंदु। रेखांकित शब्दों से उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके लिखिए। भारत की अलौकिकता सारे विश्व में फैली है। अकड़ना, लापरवाही और निर्मम अकड़ता उनके आत्मविश्वास का परिणाम थी। लोग उनकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। राजेश अभिमानी लड़का है। मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी जानता है तुलसीदास। पूर्णिमा के दिन चांद परिपूर्णता लिए हुआ था।